ओवर थिंकिंग से यदि बाहर आना है, ज़्यादा सोचते हैं यदि आप और चाहते हैं कि मैं इससे बाहर निकलूं, तो मेरी आज सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें मुख्य तीन कारण जो कि शायद ही आप जानते होंगे मैं आपको बताऊंगा। बुक्स में, इंटरनेट पे जो आपको इसकी जानकारी अवेलेबल है वो आपको शायद इतना ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी इससे बाहर निकलने में, क्योंकि बहुत गहराई में एक रूट हमारी जहाँ इसकी है उसे पकड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री पिछले 20 वर्षों से योग, आयुर्वेद और हमारी ऋषियों की पावनी परंपरा पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा यही भाव रहता है कि जो कुछ भी मैंने पाया, सीखा प्रसाद रूप से अपने गुरुओं से, वो मैं आपको बांटूँ। तो ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ये मानसिक रूप से व्यक्ति को बीमार कर देती है, शारीरिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर कर देती है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, थका रहता है हर वक्त और कोई चीज़ का आनंद नहीं ले पाता है, भूख प्यास कम हो जाती है और नेगेटिविटी हावी हो जाती है। कई कई बार वो अपने आप को बाहर खींचता है, निकालने की कोशिश करता है और कई कई बार फिर उसमें चला जाता है। कोई उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करता है, कई कई बार वो उससे भी डिफेंड करता है। ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं, मेंटली फिजिकली अपने आप को सेल्फ हार्म उसे होता है और उसमें कोई अदर पर्सन उसकी शायद ही मदद भी कर पाए। खैर, इसके लिए आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। पहले कारण समझ लीजिए क्या इसके कारण है। बहुत कारण है, तीन मुख्य कारण बताऊँगा, बिल्कुल समय आपका जाया नहीं करूँगा। फिर उसके बाद में एक उपचार, उपचार भी ऐसा कि वो आप आराम से कर लेंगे। इसके लिए बचपन की कुछ अपब्रिंगिंग्स मैटर करती हैं। कई बार बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी ट्रेजेडी, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट आपस का, परिवार का, सोशल बाहर का, जो हमारे माइंड पे इम्पैक्ट कर जाता है। हम ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, फिर हम अंदर ही रहते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा हमारा जो दायरा होता है सोशल बहुत कम होता है। जैसे ही हमें कोई व्यक्ति इंटरेक्ट करता भी है, हम बहुत ज़्यादा उससे अलग अलग तरह की उसकी जो एक्शंस होते हैं उसको पकड़ करके बार बार ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं, और फिर अपने ही मन में एक चीज़ को जब बार बार सोचा जाता है, ऐसी है ये, ऐसी है ये, ऐसी है, उसने ऐसा किया, नहीं भी उसका ऐसा भाव होगा, नहीं भी वो उसका ऐसा एक्शन के पीछे का पूरा प्रोसेस होगा, तो भी हमारा मन बार बार सोच कर उसको वैसा बना लेता है। और फिर होता क्या है, वो उसी ट्रैप में बार 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 घिरता चला जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने आसपास बड़ा सुंदर रेशम बुनता है, लेकिन वो उसके लिए कितना सही है कितना गलत है वो आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति खाली रहता है, यानी जितना उसे एक्टिव हो करके अपने डिसीजंस को ले करके उस पर चलना होता है, उतनी गति वो नहीं दे पाता है। कई बार उसे इसका भी पीछे कारण यही लगता है कि जब मेरी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारे सराउंडिंग्स ठीक हो जाएंगी, वो मैं तब कर पाऊँगी, तब कर पाऊँगा, तो वो उसका इंतज़ार करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ें तब होती हैं जब वो अपने माइंड को क्लियर करेगा, तो ये चीज़ हो ही नहीं पाती, वो उसी ट्रैप में घूमता रहता है। तो इसको भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आप खाली ना रहें। खाली मन शैतान का घर है, और जितना हो सके बिल्कुल पॉजिटिव और हर वक्त अपनी डेली स्केड्यूल को बना करके उस पर चलें। इसके अलावा जो व्यक्ति सजग बहुत होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, हर छोटी बड़ी अपनी सामने वाले की फीलिंग्स को और थॉट्स को और हर चीज़ को समझते हैं, पकड़ते हैं, वो भी कई बार ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के, उससे फिर अपने आप को ही हार्म करना, सेल्फ फीड करना, ये उनकी आदत बन जाती है। इससे बाहर कैसे निकले? इससे बाहर निकलने का एक सबसे कामयाब तरीका है, अपने लाइफ में बहुत ज़बरदस्त आपको चेंज कर देने वाला रेजोल्यूशन लें, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर के, बेशक उसमें कोई क्वालिटी ऐड करने के लिए, कोई गुण सीखने के लिए, या आपने कुछ सीखा हुआ है उसे सर्व करिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिले उस चीज़ में आपको जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि खुशी तो कई बार इंसान को कुछ उल्टा पुल्टा खा के भी मिलती है, लेकिन मैं समझता हूँ परमानेंट हैप्पीनेस, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी खुशी जिसके बाद जीवन की जो एक आपने कल्पना करी थी अपने मन में कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन मेरा हो, वो उस पर ओवर थिंक करिए,
अपनी इस क्वालिटी को, यानी एक व्यक्ति के पास एक कोई ऐसी चीज़ है जो उसे नुकसान पहुंचा रही है, तो उसकी क्वालिटी थिंक करना, सोचना, सजगता, लेकिन वो गलत जगह इन्वेस्ट हो रही हैं, तो उन सारी कैपेबिलिटीज़ को उठा करके हमें वापस लाना है अपनी जो लाइफ हमने सोची थी कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ, ऐसा बनूँ, उसको विजुलाइज करिए, उसको आनंद लीजिए और फिर उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए। आप इतना सा भी हिम्मत ना हो काम करने की, एक्शन लेने की, तो भी उसके 10 टुकड़े कर दीजिए उस छोटे से एक्शन के, छोटा छोटा एक्शन लीजिए, निरंतर लीजिए, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, वो ब्रेक ना हो, छोटा छोटा। कहते हैं जब चलने की हिम्मत, दौड़ने की हिम्मत ना हो तो चल लीजिए, जब चलने की भी हिम्मत ना हो तो बैठे बैठे सरक लीजिए या पगवन चल लीजिए, घुटनों चल लीजिए बच्चों की तरह। और अगर उतनी भी हिम्मत ना हो, कभी कभार इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को सेल्फ एक्वायर्ड या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करे, तो उसे क्या करना चाहिए, लेट जाए, लेट लेट करके थोड़ा पलटी खा करके ही सही, थोड़ा बढ़ता रहे। और उतनी भी हिम्मत ना हो तो बैठ जाए एक स्थान पर, बजाय इसके कि खुद को हमेशा पीछे खींचना, गिरते जाना उस पथ से, मार्ग से। उसे कोशिश करनी चाहिए कि एक एक छोटा छोटा एक्शन ले और बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन करे, उठने में, सोने में, खाने में, और अपनी एक एक्सपेक्टेशन जो है वो हर किसी से कट ऑफ करे, हर किसी से, कि मुझे इससे ये नहीं मिला, ये उसका फ़र्ज़ था मुझे देना, ये मुझे उसने नहीं दिया, उसने मुझसे ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा, उसे ऐसा करना चाहिए था। किसी को भी कंट्रोल ना करें, किसी की भी ड्राइविंग सीट पर ना बैठें। वट एवर समबडी इज़ डूइंग, लेट देम डू, यू जस्ट फोकस ऑन योर इनर सेल्फ, you just focus on your qualities and give your best to improve yourself. So मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने भीतर खुशी का माहौल पैदा करें, हंसते मुस्कुराते रहें, छोटी छोटी चीज़ अगर आप उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भर सकें तो ज़रूर भरिए। 100 चीज़ें बेशक आपकी आसपास आपको गलत लग रही हैं, जिसको सोच करके आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बार 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 उसको, उस पर मंथन कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसे थोड़ी देर के लिए हटा करके अपने माइंड को एक नई चीज़ दीजिए। बाहर आने का तरीका यही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधा स्टॉप करिए, स्टॉप कैसे कर लेंगे आप, आपकी कोई चीज़ घूमे जा रही है अनकंट्रोलेबल, उसमें बस एक, उसके अंदर एक मटेरियल चेंज करना है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जो आपको बार बार पॉजिटिव करे, बार बार अपने आप धन्यवाद के भाव से भर जाएं कि वाह, ये इतनी सारी बुरी चीज़ों में इतनी एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, कितना अच्छा संकेत है ना। ये चीज़ों को पकड़ करके एक रोशनी की किरण से थोड़ा सा आसरा लेकर के, थोड़ा सा सहारा लेकर के, उस सुबह का, उस जो रोशनी का, सूरज का जो है उस तरफ निकलिए, उस तरफ बढ़िए, और ज़रूर आप एक ऐसी सवेर देखेंगे, ऐसी सुबह देखेंगे जो बहुत आनंदमयी होगी, बहुत सुकून से भरी होगी। और ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया को अवॉइड करिए और जितना हो सके आप नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधे, खुद गार्डनिंग करिए और पेड़ पौधों को छांटिए, सड़े हुए पत्तों को पानी दीजिए उनको, उनके पत्ते, और कुछ इस तरह के काम करिए जैसे कि जिससे आपका शरीर का पसीना निकले। हो सकता है वो आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपना घर मैनेज कर रहे हैं, अपने लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ करके शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, बुरी चीज़ें अपने आसपास से हटा रहे हैं, और खुद के लिए अगर इतनी हिम्मत ही ना हो कुछ करने की, तो दूसरे की किसी कमी को देख करके, उसकी अगर आपको पता है भाई इसमें मेरे पास टैलेंट है इसकी मदद करने का, अपने से नीचे वाले को देखिए और फिर उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ 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 करने लग जाइए। ये सही तरीका है, आप पॉजिटिविटी में जाएंगे और नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और ओवरथिंकिंग से भी बाहर जाएंगे। आपको मेरा ये कार्यक्रम, मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा, और आपको इससे क्या मदद मिली मुझे ज़रूर बताना, और क्या चीज़ें आप इसको करने के बाद आपकी ठीक हुई और क्या रह गई, ये सब मेरे साथ जब आप साझा करेंगे तो मैं आपको एज ए मेंटर आपको गाइड करूँगा, आपको ट्रेन करूँगा आपके ब्रेन को उस तरफ ले जाने के लिए कि जिस तरफ आपकी असली मंजिल है।
आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।